हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है एकदम नमन टॉप होंगे। स्वागत है अपने चैनल में। आम पर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो को सुन। आज है 15 अगस्त, सुन रहे बिल्लो रानी, मुझ सोसाइटी में कंपटीशन करो। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या मैंने शायरी में PhD पास की है। तो सुनाओ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश हुआ था आजाद, और तुम जैसे कुत्तों को ये बात नहीं है पता। नहीं यार, मुझे पता थी ये बात। अब तुम्हारी बारी। नरेंद्र मोदी लाल किले को फहराते हैं झंडा, और तू जैसी काली बिल्ली को मार देना चाहिए फेंक फेंक कर अंडा। जिन्होंने अपने जिंदगी गवा दी दिलाने में हमें आजादी, जिनके हाथ में थी लाठी और फेस पे था चश्मा, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी अपना। अच्छा जी, जिनकी वजह से हम चैन से देख पाते हैं सपना, जिन्होंने लिखा संविधान, वो थे भीमराव अंबेडकर। वाह यार, तुम भी शायरी बोलते हो काफी बढ़िया। जिन्होंने लोगों का मुश्किल कर दिया था जीना, जिनके डर से अंग्रेजों का छूटता था पसीना, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज बहुत थे करार, वो थे चंद्रशेखर आजाद। अरे यार, तुम्हें ढंग से शायरी बोलना भी नहीं आता। जिनकी डर से अंग्रेजों के निकल जाती थी पेशाब, वो थे चंद्रशेखर आजाद। अच्छा तो मुझे शायरी बोलना सिखाओगे। हाँ। जिनकी फांसी की वजह से लोगों का खोलने लगा खून, सब कोई बोलने लगे जय हिंद, वो थे भगत सिंह। मुझसे बढ़िया शायरी नहीं बोल सकती, ये लो। तुमने मुझे मारा, तू भी ले। जी 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 जी।